किसी ऐसे राज्य या कहीं ऐसे स्थान से आते हैं जो अति पिछड़ा है, जो गरीबी की चपेट में है, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होता है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे एक सेटल्ड जॉब, मतलब एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। लेकिन भारत माँ के एक बेटे ने इसके बदले चुना एक ऐसा काम जहाँ हर रोज हर कदम पर उसका वो काम बलिदान मांगता था, जहाँ आपके शौर्य और पराक्रम की कदम कदम पर अग्नि परीक्षा ली जाती थी। और इसे इत्तेफाक ही कहिए या कुछ और, वो वीर सपूत इस धरती पर आया भी तो एक देशभक्ति वाले दिन, जी हाँ, 26 जनवरी 1982, दक्षिण सिक्किम जिले की नामची तहसील। एक माँ अपनी कोख से एक बब्बर शेर को जन्म देती है जिसे नाम मिलता है संजोग छेत्री। संजोग के पिता का निधन जब वो बहुत छोटे थे तभी हो गया था, इसलिए उनका और उनकी बहन संगीता को संजोग के पिता के बड़े भाई ने गोद लिया था। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्हें बचपन से ऐसा काम करना था जिसमें हर रोज वो मौत को मुंह चढ़ा सके। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मात्र 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उनका जोश और जज्बा देख उन्हें सेना के विशेष दल पैरा कमांडो के लिए चयनित किया गया। ये 9 पैरा SF फोर्स थी। इसमें एक से एक शूरवीर अपनी बहादुरी, अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का इतिहास लिए बैठे थे। संजोग छेत्री समझ चुके थे कि जिस राह पर वो चल पड़े हैं वो इतनी आसान होने वाली नहीं है। पैरा स्पेशल फोर्स, ऊपर से 9 पैरा SF, लेकिन छेत्री निश्चय कर चुके थे। यहां से निकलने के बाद संजोग छेत्री अब पैरा ट्रूपर या कहें पैरा कमांडो संजोग छेत्री बन चुके थे। संजोग की यूनिट 9 पैरा SF जम्मू कश्मीर में तब से ऑपरेटिव है जब से वहां आतंकवाद ने पनपना शुरू ही किया था, मतलब 1980 के आसपास से यूनिट आतंकियों के लिए वहां काल बनी हुई थी। ऐसे ही गर्मियों का एक आम दिन था, हर रोज की तरह संजोग और उनकी यूनिट तैयार थी किसी भी आतंकी विरोधी ऑपरेशन के लिए। तारीख थी 22 जून 2003, जगह राजौरी सेक्टर का सुरंगकोट इलाका। इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें, रेड जोन मतलब ऐसी जगह जहां आतंकियों की तादाद काफी ज्यादा हो। 9 पैरा SF को दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने का आदेश मिला। संजोग और उनकी टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनसान जंगल, तभी अचानक गोलियों की तड़ताहट वहां फैले सन्नाटे को खत्म कर देती थी। ये आतंकी थे जो छुपकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। 9 पैरा SF की टीम के जवान पेड़ों और पत्थरों की आड़ ले लेते हैं, लेकिन फायरिंग इतनी हैवी थी कि ज्यादा देर उनका ये कवर काम नहीं आता। फायरिंग की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जवान अपना सर तक नहीं उठा पा रहे थे। अब तक पैरा कमांडो संजोग छत्री ने ये समझ चुके थे कि यहां छुपे रहकर ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाएंगे। और तभी संजोग छत्री एक बहादुरी भरा, एक साहस भरा कदम उठाते हैं। वो उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जिसमें आतंकी छुपे हुए थे। साथ ही उस ओर बढ़ते वक्त वो हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए फायरिंग करते हुए गुफा के मुहाने तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने 2 आतंकियों का भी खात्मा कर दिया था, लेकिन सामने से आ रही अंधाधुंध गोलियों ने संजोग के कंधे, शरीर के दूसरे हिस्सों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। संजोग छेत्री वहीं गुफा के बाहर ही जमीन पर बेहोश होकर के गिर पड़े। आतंकियों को लगा कि संजोग छेत्री को उन्होंने मार गिराया है। दूसरी तरफ संजोग के साथियों को भी लगा कि संजोग छेत्री अब नहीं रहे। उनके जमीन पर गिरने के बाद भी आतंकियों के अंदर संजोग का खौफ ऐसा था कि वो उनके ऊपर लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। लेकिन उन कायरों को यह नहीं मालूम था कि एक भारतीय सेना का जवान, वो भी पैरा SF कमांडो, उसको गोलियों से नहीं रोका जा सकता। वो तभी रुकता है जब वो अपना काम खत्म कर लेता है, यानी कोई दुश्मनों को निस्तनाभूत कर देता है। आतंकी जैसे ही संजोग के पास पहुंचते हैं वो अपना चाकू निकाल लेते हैं, यानी कि संजोग अचानक से उठ खड़े होते हैं और अपना चाकू निकाल लेते हैं। ये देख आतंकी भाग खड़े होते हैं। इसी बीच वो एक आतंकी को वहीं चाकुओं से ही गोद गोद कर मौत के घाट उतार देते हैं। और जाते जाते दुनिया को ये बता जाते हैं कि वो उस पैरा SF के जाबाज कमांडो हैं जो अपने साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनका ये पराक्रम देख सभी साथी जवानों के अंदर भी जोश भर जाता है, जिसके बाद उनकी यूनिट 13 और आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाती है और एक पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी को जिंदा पकड़ लेती है। जिस ऑपरेशन के तहत ये आतंकी मारे गए उसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश, मतलब कि सांप का फन कुचलना। इस ऑपरेशन में लगभग 21 आतंकियों को मार गिराया गया था।
और इस ऑपरेशन का अंत पैरा एसएफ संजोग छेत्री के वीरगति को प्राप्त होने के बाद हुआ। मरणोपरांत पैरा कमांडो संजोग छेत्री को उनके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए शांति काल के सबसे बड़े वीर का सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी बहन संगीता ने लिया। वाकई में भारत माँ के इन वीर सपूतों की ही वजह से आज हम और आप आजादी का आनंद ले पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास समय नहीं इन वीरों की गाथाओं को अपने बच्चों को सुनाने का। यहां तक कि इन बहादुर वीर कथाओं की कहीं पर भी इंटरनेट पर भी बहुत सीमित जानकारी इन वीरों की आपको मिलेगी। हम बॉलीवुड के नकली हीरोज को देखकर तो खूब ताली पीटते हैं, लेकिन इनकी शहादत पर एक आंसू तक हमसे नहीं बहाया जाता। गर्व करना तो छोड़ ही दीजिए साहब, लेकिन इन जवानों की खूबी पता है क्या है आपको? आपकी लाख नजरअंदाजी के बाद भी ये अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात दिन रात ये जवान भारत माँ की रक्षा के लिए हर समय तैनात रहता है। शिवालिक जनरल भारत माँ के वीर सपूत पैरा कमांडो संजोग छत्री को नमन करता है, और नमन करता है उन तमाम भारतीय सेना के जवानों को जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। ये भारतवर्ष आपके बलिदान का ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।